तो दोस्तों फाइनली आ गई डंकी के टीजर की रिलीज डेट। वही एक नहीं बल्कि दो टीजर आने वाले हैं। जी हाँ, साथ ही फिल्म के पहले टीजर का रन टाइम भी सामने आ चुका है। तो चलते हैं एक एक कर सब विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों पहले पठान फिर जवान के बाद शाहरुख खान डंकी के साथ एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने जा रहे हैं। पठान जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर से साल 2023 की शुरुआत करने वाले शाहरुख खान ने सितम्बर में जवान के साथ इस साल बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी और अब वह इस साल की आखिरी फिल्म डंकी को रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लेकिन उससे पहले मेकर्स इस फिल्म के टीजर को रिलीज कर फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ाने वाले हैं। बॉलीवुड हंगामा को पता चला है कि डंकी का एक नहीं बल्कि दो टीजर रिलीज किए जाने हैं। सूत्र के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने डंकी के दो टीजर को सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया है। प्रमाण प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हो गई है। डंकी का पहला टीजर जहाँ 58 सेकंड लंबा है, वही दूसरे टीजर का रन टाइम 1 मिनट 58 सेकंड का है। दोनों टीजर को यूएस सर्टिफिकेट दे दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि सर्टिफिकेट पर आवेदक और निर्माता का नाम साहिल चंद्रमोहन खोसला है। सूत्र के अनुसार वह राजकुमार हिरानी फिल्म्स का हिस्सा है जिसने फिल्म का निर्माण भी किया है। बॉलीवुड हंगामा ने हाल ही में एक्सक्लूसिव बताया था कि डंकी का टीजर सलमान खान स्टारर टाइगर 3 के साथ जोड़ा जाएगा जो दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। डंकी में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू, विकी कौशल और बोमन ईरानी भी अहम रोल में नजर आने वाले है। खैर दोस्तों, आप डंकी टीजर को लेकर कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डायहार्ड फैन है तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।